guys, this is Claudia and this is Cesar. Hi. So, well guys, we are going to keep watching Dangal. This is the part number 7 and we are excited to see what will happen. Dangal, Dangal. Okay, so let's go for it. Rescue Tom! तो ये जगह तो बहुत बढ़िया है नहीं? कैसी है पहलवान? और तू? ठीक हो पापा? तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले को मन अंकल इंसिस्ट नहीं के तुझे के ट्रेनिंग शुरू करा दी है और डाइट पर भी डाल दिया क्या उनकी डाइट और ट्रेनिंग तो यहाँ से ले ले जो कमी रह जाएगी वो मैं पूरी कर दूंगा ट्रेनिंग कितने बजे शुरू होती है तुम दोनों की 7 बजे ठीक है कल सुबह 5 बजे तैयार रहना Wow. Excellent training. Oh my god, they are too much. Like, also, it's like too much in awesome manner. Yeah, it's good. Ghos mazboot bharosa apne sapno pe karna jitne muh utni baatein Now it's time for playing game only. Everyone go for it. सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं दंगल 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 You decided to bomb. रुक अब सीधा अटैक नहीं चलेगा सामने वाले के दिमाग से खेलना है दाव दिखाना कुछ है और लगाना कुछ यो झोंका यो धोखा हर कोई मिल जाता है ओह नो सर डाइट पे तो डाला था लेकिन पता नहीं कैसे वेट कम नहीं हुआ क्या चल रहा है गीता रे रोती रहेगी या कुछ बोलेगी भी ओह नो द ट्रेनर इज लाइक डूइंग समथिंग ओह नो सर इनके हरकतें देख के मुझे लगता है कि इनको एनएसए की जरूरत नहीं है आगे आप जो ठीक समझे आप दोनों कुछ कहना चाहेंगी मतलब आप मानती हैं कि आपने गलती की इनकी बस एक ही गलती है सर कि इनका बाप बावड़ा है वो देश को इंटरनेशनल रेसलिंग में गोल्ड दिलाने के पीछे इतना पागल है कि उसने बचपन में इनके हाथों से गुड्डे गुड़िया छीन के अखाड़े की माटी पकड़ा दी इनने मना करी तो सिर मुंडवा दिए तैयारी कमजोर पड़ी तो छोरों के साथ दंगल लड़वाए सारे गांव की गाड़ियां खाई सिर्फ इसलिए कि यो एक दिन देश का नाम रोशन करे यो देखो सर ये 50 रुपए इसने रोहतक में जीते थे यो हिसार में यो चंडीगढ़ में यो 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 सब
घना लंबा सफर तय करिया है सर इन चोरियों ने। अब इन्हें वापस जाने को मत बोलो सर, सारी गलती मेरी है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। कोच सर ने तो 3 मेडल जीतने से मतलब है, भले वो ब्रॉन्ज ही क्यों ना हो, पर मैं तो चाहता हूं कि हमारा देश गोल्ड जीते और यो चोरी ऐसा कर सके सर। आप सब लोग बाहर रुके, पचपन किलो में तो गीता इंडिया के लिए भी सिलेक्ट नहीं होगी। वेट लूज करके लड़ती तो मेडल ला सकती थी। मेडल तो इसने पहले ले आने चाहिए थे कोच साहब, 55 की कैटेगरी में। कुछ तो आपने भी ठीक ना कराया होगा। क्या ठीक नहीं किया? गीता का नेचुरल गेम अटैकिंग है, आपने टेक्निक के चक्कर में फंसा के उसका गेम ही उल्टा कर दिया। जो तो वही बात हो गई कि सहवाग को बोला जाए कि भाई तू द्रविड़ की तरिया खेल, ना सहवाग रह जावेगा और ना द्रविड़ बन पावेगा। तो आप ही बता दो मेडल जीतने के लिए किस तरह कुश्ती लड़ी जाती है। मेरा बस चला है तो मैं अभी यही आपको बता दूं कि कुश्ती किस तरह लड़ी जाती है। ओ अंदर बुलाया जी। हाँ। जो हुआ गलत हुआ, कमेटी इन दोनों को एक और मौका दे रही है। मेहरबानी सर, लेकिन आज के बाद ना आपको एनएसए में आने की अनुमति है, ना इन दोनों को एनएसए से बाहर जाने की। ठीक है सर। ठीक है सर। आज तो एक मेरे लिए बना देता हूँ ये। सॉरी। थैंक यू। नॉर्मली जंगल्स भीतर जाने से रोक सके पर गीता को कोचिंग देने से मन्ने कोई ना रोक सके। चुस्त हो जी। तीन को तो मैंने टप्पाई दी पापा, लेकिन जिसने मन्ने सबसे गंदा हराया ना, साइज में भी कम थी, ताकत भी उतनी ना थी, 9 पॉइंट्स हरा गई। इस मैच की रिकॉर्डिंग है तेरे पास? हर मैच के है पापा, लाइब्रेरी में। सबकी एक-एक कॉपी कोरियर कर दे। दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स 3 महीने बाकी रह गए और इस बात की गर्माहट पटियाला के नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी में देखी जा सकती है। ताऊ जी हम कहाँ जा रहे हैं? ताऊ जी की बस एक ही बात मने बिल्कुल पसंद ना थी, हर बात में इतना सस्पेंस बना देते थे कि सामने वाड़े की जान निकल जावे। ओके। शीतल भाभी तो ओके। मैं टीवी शो देखना था तो अमर महल चलते ना ताऊ जी, यहाँ अच्छी फिल्में नहीं दिखाते। उतर। ओके। अंकल की बेटी। हाँ जी। अगले शो की सारी टिकट कितने में मिलेंगे? उसी पिक्चर कौन सी देखनी है? वो हम साथ में लाएं। They were using only the place. Wow. चला। It's so cool. God. हो गया जी। रखो सोले, तेरा अगला शो भी हाउसफुल है। अरे भाई साहब क्या चल रहा है? मतलब कहाँ की सिटी है? अटलांटा, इंडोनेशिया। इंपोर्टेड? सुनो भाई साहब, हम कॉपी कर लें, 50 रुपए कम दे देना। अरे इस तरह यहाँ खेल लेगी तो कैसे जीतेगी? ताऊ जी मैं सोच रहा था कि आपने ज्ञान तो बटोर लिया,
पर बांटोगे कैसे? क्योंकि एनएसए में तो आपका स्कूटर साइड वाला ऑर्डर है। बैठ। फिर सस्पेंस। ऐसे करते हैं रेसलिंग, बीकी बिल्ली बन के। इस तरह यहीं लड़ना है तो मत लड़। क्यों है पापा? मैच देखे तेरे सारे, कुश्ती तो ना लड़ रही थी तू? जो सिड्डी तन्ने दी है उनकी कॉपी है तेरे पास? हाँ जी पापा है। अकेले में देखने का बंदोबस्त हो सके? लाली से लैपटॉप मांग लूंगी। ठीक है, कल सुबह 5 बजे तैयार रहना। बहुत दिनों बाद पापा की गंदी खाई, अच्छा लगा। जकार्ता की राउंड 1 की सीढ़ी लगा? हाँ जी पापा लगा दी। 3:58 पे रोक। दो पॉइंट की लीड ले रखी है तन्ने और डिफेंसिव खेलने में घुस गई। प्ले कर देख। दे दी ना लीड। अरे सामने वाला डाउन है तो उसने मौका क्यों देना? ये कैसे किया तूने? जहां डिफेंड करने की जरूरत है वहां तू अटैक करके पॉइंट दे रही है। पॉइंट के पीछे बावड़ी होने से कुछ ना होगा गीता, दिमाग लगा क्या खेलना होगा। हिज ट्रेनर सब जीतने वाले मैच आ रहे हैं। या आई नो द इन एनी हर हर ट्रेनर हिज बेटर। या हर हर ट्रेनर इज हिज बेटर। बाबा ट्रेनर, बाबा ट्रेनर मेक अ कप नो बाबा ट्रेनर बाबा कोच। देने को तो एक राउंड सिर्फ 2 मिनट का होता है, पर सोचा जावे तो 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं। उस 1 सेकंड का इंतजार कर जब सामने वाला गलती करे। She's good, isn't she? Yes, sir. That's to you. Yeah, he's taking credit. अब आप तैयार लग रही हो दीदी। पापा को बताया? क्या बोले? ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है। ओह 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का ये भव्य शुभारंभ अपनी संस्कृतियों की झलक दिखलाता मेजबान देश भारत सभी के लिए बड़े ही गर्व का मौका। और ये भारतीय कंटिंजेंट स्टेडियम में प्रवेश करता हुआ दर्शकों द्वारा जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हम आपको बताना चाहेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 देशों के चुनिंदा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे रोमांचक मुकाबलों की शुरुआत के साथ। अपने मुकाबले से पहले गीता काफी नर्वस थी, पर होती भी क्यों ना, इंटरनेशनल मैचेस में उसका अब तक का प्रदर्शन काफी बुरा ही रहा था। थोड़ी ही सही, लेकिन देश ने गीता से उम्मीदें तो लगा ही रखी थी। शायद गीता के पास खुद को साबित करने का यो आखिरी मौका था। विमेंस रेसलिंग के 55 किलो वर्ग का ये पहला मैच भारत की गीता कुमारी और वेल्स की मेलिसा एंडरसन के बीच। गीता काफी नर्वस नजर आ रही हैं। अब देखना ये है कि इंटरनेशनल मैचेस के शुरुआती दौर में ही हार जाने के वो अपने सिलसिले को तोड़ पाती हैं या नहीं। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मैच में 2-2 मिनट के 3 राउंड्स होंगे। जो 2 राउंड्स जीत लेगा वो मैच जीत लेगा। इसी के साथ मैच शुरू। दोनों ही रेसलर्स काफी सतर्क, कोई भी शुरू में पॉइंट्स नहीं देना चाहता है। और ये मेलिसा का शानदार अटैक, ये तो थोड़ी सी मुश्किल में। मेलिसा 1, गीता 0। गीता के मुकाबले मेलिसा काफी स्ट्रांग नजर आती हुई।
अरे मेलिसा को 3 पॉइंट्स और। क्या कर रहे गीता? संभल कर खेल क्या कर रहे को, क्योंकि अगर अब 2 पॉइंट्स और दे बैठे तो टेक्निकल सुपीरियरिटी के कारण ये राउंड हार जाएंगी। और ये गीता की अच्छी कोशिश और एडवांटेज मेलिसा को। जिसका डर था वही हुआ। मेलिसा ने पहला राउंड टेक्निकल सुपीरियरिटी से 6-0 से जीत लिया है। क्या कर रही है गीता? इतनी बुरी तरह से तुम मत हार। अब देखना है कि पहला राउंड बुरी तरह से हारने के बाद गीता दूसरे राउंड में वापसी कर पाती हैं या नहीं। गीता का अच्छा अटैक, मेलिसा का काउंटर अटैक। 2 पॉइंट्स फिर से मेलिसा को। गीता 3-0 से पीछे, उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। गीता कोशिश करती हुई पर पॉइंट्स उनके हाथ नहीं। और ये गीता के पास अच्छा मौका। 2 पॉइंट्स गीता को। मेलिसा 3, गीता 2। गीता और पॉइंट्स स्कोर करने की कोशिश करती हुई लेकिन रेफरी की विसिल। धीरे धीरे राउंड समाप्ति की ओर जाता हुआ और गीता अभी भी 1 पॉइंट से पीछे। लगता है गीता एक बार फिर से शुरुआती दौर में ही हार के बाहर हो जाएंगे। और दोनों ही रेस्लर्स पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करते हुए। और ये गीता के 3 पॉइंट्स, गीता 5, मेलिसा 3। अब इस मैच में वापसी के लिए गीता को बस 4 सेकेंड रोकना होगा मेलिसा को। मेलिसा कोशिश करती हुई पर सफलता उनके हाथ नहीं। और इसी के साथ मैच में शानदार वापसी गीता की। मुकाबला 1-1 की बराबरी पर। गीता कुमारी फोगाट ने दिखा दिया है कि वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। देख गीता, आखिरी राउंड है, समझे? संभल के डिफेंड करके खेल। नो डोंट प्ले डिफेंसिव, ठीक है? अटैक, अटैक, अटैक करके खेल। प्ले अटैकिंग, या और ये फाइनल राउंड शुरू। गीता शुरू से ही अटैकिंग खेलती हुई और ये 1 पॉइंट गीता को। गीता 1, मेलिसा 0। गीता मेलिसा पे हावी पड़ती हुई। गीता का अटैक पर पॉइंट्स उनके हाथ नहीं। फिर से अटैक, 2 पॉइंट्स गीता के नाम। गीता 3, मेलिसा 0। क्या गीता अपनी लीड बरकरार रख पाएंगी? वेरी गुड, अब डिफेंड कर। गीता अभी भी अटैकिंग खेलती हुई। गीता का अटैक, मेलिसा का काउंटर अटैक। गीता थोड़ी सी मुश्किल में। 3 पॉइंट मेलिसा को। बोला था डिफेंड कर, कोई ना, अटैक करती रहे। स्कोर 3-3 की बराबरी पर। Well guys, we are going to stop this part. We are going to part number 8. Eight, yes, 8. Okay, so. Oh, it's exciting.